नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अगले सप्ताह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। अनुभवी तेज गेंदबाज पीटर सिडल को 12 जनवरी से शुरू होने वाली 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की 14 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। 21 साल के ऋषभ पंत ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाले भारत के पहले विकेटकीपर बन गए। उन्होंने सिडनी में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में शतकीय पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत भारत 500 से बड़ा स्कोर बनाने में कामयाब रहा। न्यूजीलैंड ने साल 2019 के पहले मुकाबले में श्रीलंका को 45 रन से हराया। इस जीत के हीरो जेम्स निशाम और मार्टिन गप्टिल रहे। ऑलराउंडर जेम्स निशाम ने 13 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली और इसके बाद 3 विकेट भी झटके। एक महीने पहले ही सक्रिय क्रिकेट को अलविदा कहने वाले गौतम गंभीर के बारे में लगातार खबरें आती रही हैं कि वे राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली के इस क्रिकेटर ने एक बार फिर ऐसी खबरों का खंडन किया है। उन्होंने गुरुवार को ट्वीट कर कहा है कि वे रिटायर्ड क्रिकेटर हैं और अन्य भारतीयों की तरह ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की जीत का इंतजार कर रहे हैं। भारत के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया टीम का ऐलान हो गया है। कंगारू टीम मैनेजमेंट ने वनडे टीम के चयन में कई बड़े बदलाव किए हैं। ट्रेविस हेड, एश्टन एगर, डार्सी शॉर्ट, क्रिस लीन और एंड्रयू टाई को टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे, एनलाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्क के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।